सुमरण के साथ साथ संतों ने ध्यान के ऊपर भी जोर दिया है स्वामी जी महाराज ने कहा है गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना कहते हैं गुरु के स्वरूप का ध्यान भी जरूरी है अब हमें शंका हो सकती है कि गुरु का ध्यान क्यों कराया जाता है क्योंकि गुरु वो अपने गुरु के कृपा से अंतरोनी मंडलों मंडलों में गया होता है वो परमात्मा से मिला होता है तो उसका तन मन और सब निर्मल होता है और इसीलिए गुरु शब्द और प्रकाश रूप होता है इसीलिए गुरु का स्वरूप का ध्यान कराया जाता है जिससे हमारी चित्त की शुद्धि होती है सुमरन से मन निर्मल होता है और सदगुरु के ध्यान से हमारा चित्त निर्मल होता है क्योंकि हमारे दोनों आंखों के बीच में चार अंतकरण हैं मन बुद्धि चित्त ममकार तो मन हेड है मन क्या करता है संकल्प उठाता है मन जो संकल्प उठाता है बुद्धि उस पर विचार करने लगती है बुद्धि रूपी मंत्री और मन राजा है तो जो मंत्री मन में विचार चालू हो जाता है माने बुद्धि में जो विचार चालू हो जाता है और चित्र पी कैमरा उसका फोटो लाके अंदर खड़ा कर देता है जिस चीज़ को हमने देखा है उसका ही फोटो आएगा अब जिस चीज़ को हमने नहीं देखा है उसका फोटो नहीं आएगा तो जैसे हम अमेरिका जाके आए हैं हमने अमेरिका को देखा है तो अमेरिका का अंदर जो है ध्यान माने के सुमरन आते ही उसकी याद आते ही उसका फोटो भी अंदर आ जाता है <laughs> तो उसी को चित्त रूपी कैमरा कहते हैं हम जिसका याद करते हैं जिसको याद करते हैं जिसका सुमरन करते हैं उसका स्वरूप भी आता है है, तो गुरु को उसका दिया हुआ नाम स्मरण करते हैं तो उसके स्वरूप का ध्यान भी जरूरी है तो उससे हमारे चित्त की शुद्धि होती है तो मन हुक्म करता है संकल्प उठाता है और बुद्धि उस पर विचार करने लगती है अब बुद्धि में जो विचार चलने लगता है चित्र पे कैमरा उसका फोटो अंदर ला के खड़ा कर देता है चित्त कैमरा है और हम उसी का रूप हो जाना उसी चिंतन का रूप हो जाना ही ममकार है और उसका प्रभाव मन पे बढ़ जाता है उसका मलिन मन पे आ जाता है वही ममकार होता है तो इस तरह से चार अंतकरण हैं तो सुमरन से मन शुद्ध होता है सदगुरु के ध्यान से हमारा चित्त निर्मल होता है तो अभी हम जैसे यहाँ बैठे हैं घर का याद आते ही उसका फोटो आ जाता है तो जिसका अपने कुटुंब परिवार का फोटो तो अभी हमारे मन रूपी मंदिर में दुनिया का सुमरन है हमारे चित्र रूपी कैमरा में दुनिया का फोटो है तो वहाँ क्या होना चाहिए हमारे मन में सुमरन चलना चाहिए और चित्र रूपी कैमरे में गुरु का स्वरूप होना चाहिए तो जैसे हमने कल कहा कि कुछ लोगों को गुरु का स्वरूप नहीं आता है तो फोटो सामने रख के ध्यान करने की उसको अंदर बिठाने की कोशिश करते हैं तो फोटो जड़ है हमें फोटो का ध्यान नहीं करना चाहिए चाहे गुरु का ही फोटो क्यों हो फोटो जड़ है अगर वो आपके अंदर आ जाएगा तो आपसे बात नहीं करेगा आप आपको मदद नहीं करेगा इसीलिए हमें उसी स्वरूप का ध्यान करना है गुरु के जिसको हमने चलते फिरते देखा है सत्संग के समय में देखा है नामदान के समय में देखा है दर्शन के समय में देखा है उसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए हमें कभी भी फोटो का ध्यान नहीं करना चाहिए फोटो जड़ है और फोटो का ध्यान करना गुरु के और मूर्ति पूजा करना दोनों बराबर हो जाएगा तो हमें गुरु भक्ति कहते हैं संत मत की पहली सीढ़ी गुरु भक्ति गुरु भक्ति में क्या आता है रोज -रोज सुनना, रोज -रोज भजन करना, समय मिले जब हम संगत में जाते हैं उनकी सेवा करना संगत की सेवा गुरु की सेवा होती है उससे गुरु खुश होता है तो सेवा करना तो कहते हैं इस तरह से तीन तीन चीजें प्रमुख रखे हैं संत मत में जीव के उद्धार के लिए तो पहला सत्संग दूसरा भजन सुमरन और तीसरा सेवा संतों ने ये तीन साधन रखे हैं मुक्ति के लिए और दो तीसरा कुछ नहीं चौथा कुछ नहीं तो कहते हैं कि बस अभी क्या करना है सुमरन ज़्यादा करना है जब तक गुरु हमारे अंदर प्रकट नहीं हो जाता है जब हम जब तक हमारी तीसरी आंख खुल नहीं जाती है तब तक हमें सुमरन और ध्यान का आधार ही जरूरी है तो इसके लिए सत्संग हमारी मदद करता है सत्संग सुनने से गुरु का प्रेम और प्यार पैदा होता है हमारे अंदर भजन करने का प्रेम पैदा होता है गुरु भक्ति बढ़ती है नहीं तो मन धोखा दे देता है हम सत्संग से दूर हो जाते हैं तो मन धोखा देता है दुनिया भी चिंतन में पड़ जाता है रात दिन झूठे दुनिया के प्रेम में इतना अमूल समय बर्बाद कर जाता है जबकि हमारा एक एक श्वास बड़ा कीमती है कबीर साहब ने कहा है कहता हूँ कह जाता हूँ कहूँ बजाए डोल श्वासा खाली जात है तीन लोग का मोल हमारा एक एक श्वास दिन लोग से भी कीमती है महाराज सिकंदर बादशाह का उदाहरण देते थे सिकंदर बादशाह विश्व विजय का स्वप्न देखता था कि मैं विश्व का विजयी बनूं और अच्छा मिलिट्री तैयार करके हिंदुस्तान पे आया यूनान से उस समय हिंदुस्तान में छोटे छोटे राजे थे जिनका आपसी प्रेम विश्वास नहीं था विरोध था तो उसका उसने फायदा उठाया एक राजा से प्रेम करना और उसको साथ लेके उसके पे हमला करना ऐसा कर, कर के उसने हिंदुस्तान अपने स्वाधीन में ले लिया हालांकि वो हिंदुस्तान राज्य के लिए नहीं आया था कीमती सामान ले जाने के लूट के ले जाने के ख्याल से आया था तो उस समय हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे सोना बहुत थे सोने चांदी और दूध की नदी बर बहती थी पुरु का राज्य था उत्तर भारत में दूध की नदी बहती थी इतना सुखी था तो उसने क्या किया वो तो राज्य के लिए नहीं आया था कीमती सामान लूट के ले जाने के लिए आए थे तो उन्होंने क्या किया जब सारा देश हिंदुस्तान उनके स्वाधीन में आ गया तो वो यहाँ से जो भी कीमती सामान जिस राज्य में थे वो सब सामान उसने जमा कर लिया तख्त और ताज और जितने हीरे ज्वारात माणिक थे सोने चांदी थे जब जमा किया और उनका उनका राज्य देके और वो सामान लेके चला लेकिन जब वो हमारे हिंदुस्तान में आया था तो यहाँ पे अच्छे अच्छे शास्त्री भी थे पंडित थे तो उसने एक शास्त्री से अपना हाथ दिखाया था तो अच्छे शास्त्री थे उन्होंने देखा और कहा देखा तो इसकी उम्र बड़ी कम है अगर वो कह दे कि महाराज आपका उम्र कम है आप जल्दी मरेंगे तो ये तो राजा है और कहीं फांसी की सजा ना दे दे तो इसीलिए उसने एक उपाय से बताया कि महाराज जब सोने का आसमान और चांदी की जमीन होगी तब आप मरेंगे तो सिकंदर बादशाह खुश हो गया मालूम नहीं ये कब होएगा और मैं बहुत बरस जिंदा रहूंगा तो इस तरह से जब वो सामान लूट के ले जा रहा था तो यही राजस्थान बीकानेर प्रांत से जा रहा था और उस समय रडार सब बालू ही बालू था रेगिस्तान में और वहाँ जहाँ बालू ही बालू वहाँ पानी भी नहीं पेड़ भी नहीं और इसको टाइफाइड बुखार जोर हो गया इतना बुखार आया कि घोड़े पे बैठने की भी ताकत नहीं रही तब वो अपने मंत्रियों से कहता भाई मुझे अब लिटा दो मैं घोड़े पे बैठने की ताकत नहीं है तो मंत्रियों ने क्या किया अब बादशाह को नीचे लिटाना सब बालू ही बालू है वहां कोई पेड़ भी नहीं पानी भी नहीं तो उसने क्या किया जो परत थी चादरें थी चांदियों के वो सब नीचे बिछाया गया चांदी बहुत दूर तक है हवा से धूल ना आ जाए रेत नहीं आवे आंख में तो उसके ऊपर बेड डाल के बीच में बादशाह को लिटाया तो उनके पास छह यूनानी वैद्य थे आ, चार यूनानी वैद्य थे बड़े अच्छे वैद्य बादशाह के साथ रहते थे उन्होंने बुलाया और अपनी नाड़ी दिखाया तो वैद्य कहते हैं महाराज अब कुछ ही श्वास ही बाकी है अब कुछ नहीं किया जा सकता तो वो बड़ा दुखी हुआ जवान लड़का छत्तीस साल का और माँ से बड़ा लगाव था उसका तो बादशाह कहता है कि देखो भाई तुम चारों में से कोई भी हमारी मां से बात करने तक हमारी जान को रोक ले हमारे शरीर में तो उसको मैं आधा राजपाट लिख के चला जाऊंगा तो वो कहते हैं कि महाराज आधा राजपाट ही नहीं आप पूरा राजपाट भी दे दो तो हम एक श्वास बच बढ़ा नहीं सकते तब उसको बड़ा झटका लगा फिर विचार करता है कहता अच्छा मैं कैसा भी जा रहा हूं जो भी मुझे मेरे माँ से बात करने तक भी नहीं खाली उसको देखने तक मेरी जान रोके रहे उसको मैं पूरा राजपाट लिख के चला जाऊंगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ उसको देख के जाऊंगा तो वो वैद्य कहते हैं महाराज पूरा राजपाट ही नहीं आप तीन लोग का भी राज दो तो हम एक श्वास बढ़ा नहीं सकते तब तो अपना सिर पीटता है बादशाह कि अरे एक एक श्वास की कीमत तीन लोग से भी ज्यादा अगर पहले मुझे पता होता तो मैं इतना बड़ा अन्याय क्यों करता था मैंने कितना विधवाओं को पति के बगैर कितने बच्चों को बाप के बगैर आज लूट के सामान लेके जा रहा हूं आज एक सामान भी मेरा साथ नहीं दे रहा है तो कहता अच्छा एक बार अपनी आखों से देखना चाहता हूं मैं जो लेके जा रहा हूँ सामान कैसे भी जा रहा हूँ अपने आंखों से देख के जाना चाहता हूं तब वो सामान रखा गया तो जो पौना किलोमीटर तक था जो सामान लूट के ले जा रहा था तो वो देख के उसके आंखों में आंसू गिरते हैं कि आज जिन सामान के लिए मैंने कितने को विधवा किया कितने बच्चों को बाप के बगैर किया एक सामान भी आज मेरा साथ नहीं दे रहा है आज मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ तो सिर पीटता है और कहता है कि मंत्रियों को बुला के कहता है कि देखो मेरी समाधि बनाने के समय मेरा धड़ शरीर अंदर रहे लेकिन ये दोनों हाथ ऊपर जमीन के ऊपर ऐसा खुला रहे क्योंकि आगे जो हमारे जैसे अहंकारी राजा आते हैं उनको तो सोजी होने दो कि विश्व विजय का स्वप्न देखने वाला सिकंदर बासा जाने के समय खाली हाथ गया उनको तो समझ आने दो ऐसा बोल के मरा रडार प्रदेश में तो कहते यही हालत हम सब की है हम भी यहाँ के सिकंदर बादशाह हैं सब दुनिया का सास सामान जमा करने में लगे हुए हैं और अंत समय जब ये सारा सास सामान साथ छोड़ने लगता है तो बड़ा दर्द होता है इसीलिए महात्मा कहते भाई हम आए थे खाली हाथ आए थे और जाना भी खाली हाथ है यहाँ कुछ अपना नहीं है जो कुछ है काल और माया के हैं ये हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार चार दिन के लिए दिए गए हैं उनका सामान हमें यही छोड़ के जाना पड़ता है तो जब हम सामान इन सामान से प्रेम प्यार करके जब जाते हैं भाई जिससे प्रेम प्यार होगा उसको छोड़ के जाने के समय तो दुख होएगा ही <laughs> तो उसको छोड़ के जाने के समय हम भी सिर पीट के मर जाते हैं अरे मैं तो सब छोड़ के चला <laughs> तो इसी को गुरु नानक ने कहा अंत पश्चता हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत <laughs> कि अंत समय पश्चाताप करने से क्या फायदा जो जीव ने कर्म कर लिया उस कर्म को भुगतने के लिए जीव लाचार हो जाता है और इसको चौरासी लाख का चक्कर लगाना ही पड़ता है इसीलिए महात्मा कहते भाई सुमरन करो कुछ अपनी बना लो अपनी आत्मा के ऊपर दया करो इस भव सागर से पार कर लो इस जन्म मरण से छुटकारा दिला दो क्योंकि ये दुख की नगरी है ये जन्म मरण की नगरी है ये काल और माया की नगरी है ये आपकी नगरी नहीं है आप कौन हैं आप शरीर नहीं है शरीर तो किराए का मकान है आप आत्मा हैं शरीर को चलाने वाले हैं। अगर आप शरीर होते तो दुनिया आपकी होती शरीर तो अपने कर्मों के भुगतान के लिए चार दिन के लिए मिला है आप तो आत्मा हैं परमात्मा के बेटे हैं आप सतलोग सचखंड के रहने वाले हैं यहाँ के रहने वाले नहीं हैं आप अपने देश में चलने की तैयारी करो अपने देश में जाने के बारे में सोचो क्योंकि आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है आत्मा शब्द और प्रकाश रूप है परमात्मा भी शब्द और प्रकाश रूप है गुरु भी शब्द और प्रकाश रूप होता है तो कहते है भाई तुम शरीर नहीं हो शरीर तो अपने कर्मों के भुगतान के लिए चार दिन के लिए मिला मट्टी का बर्तन है जब तक आत्मा बैठी है इसकी शोभा है और जिस दिन आत्मा इस मकान को खाली कर जाती है देखो इसकी सारी शोभा खत्म हो जाती है कोई एक दिन भी घर में रखने के लिए तैयार नहीं होता है तो इसीलिए महात्मा कहते भाई तुम आत्मा हो तो तुम्हारा कौन है वो परमात्मा है अगर तुम शरीर होते तो दुनिया तुम्हारी होती ये शरीर तो किराए का मकान है ये किसी को अस्सी नब्बे साल के लिए मिला है किसी को पचास साठ साल के लिए मिला है कोई छोटी उम्र में भी फेंक के चले जा रहे हैं ऐसे लोग हॉस्पिटल में होते हैं जाके देखो <laughs> हमें वहाँ जाने से पता लगे कितने छोटी छोटी उम्र में भी जीव ये चोला छोड़ के जा रहा है कैसे कैसे जीव दुखी है दुनिया में आप हॉस्पिटल में जाकर देखो कि वहां पे जीव कैसे कैसे कर्मों का भुगतान हिसाब दे रहा है तो कहते वो भी एक नरक ही है <laughs> तो इसीलिए महात्मा कहते भाई कुछ अपनी बिगड़ी बना लो अपने आत्मा के ऊपर दया करो सवेरे उठ के सुमरन मालिक का नाम सुमरन सदगुरु का ध्यान ये दो चीज ही है जो आपको भवसागर से पार करेगी और तीसरा कुछ नहीं इसीलिए महात्मा कहते भाई सुमरन के साथ भजन सुमरन के साथ ध्यान भी गुरु का करना जरूरी है अगर स्वरूप का ध्यान नहीं आता है चिंता मत करो सुमरन करो सुमरन जैसे जैसे ज्यादा करोगे तो सुमरन का से मन निर्मल होएगा और जब मन निर्मल होएगा तो गुरु जिस दिन से नाम देता है शब्द रूप में आपके अंदर बैठा है वो अंदर प्रकट हो जाएगा स्वरूप अपने आप आएगा लेकिन आप सुमरन करो सुमरन से ही आपका काम बनेगा सुमरन बड़ी ऊंची चीज है सुमरन किया ध्रुव ने प्रहलाद ने सुमरन किया देखो शिवरी ने तो राम किसके घर आए वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए थे सात सात छः हजार बरस से तबे क्या करते हुए पंपापति में लेकिन राम उनके घर नहीं गए किसके घर गए बिल्लनी सिवरी के घर गए क्यों उसके अंदर प्रेम और प्यार था उसके अंदर मालिक का नाम सुमरन था तो मालिक प्रेम का भूखा है हमारे धन संपत्ति का नहीं हमारे जो है कि दुनिया के संपत्ति का नहीं वो तो प्रेम का भूखा है तो कहते वहां जाके सेवरी के जूठे बैर खाए और मुए सब रिसमिन रोई कहते हैं ना पलटू साहब ने लिखा है खाए से बड़ी के बेर मुए सब रिशिमन रोई किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा मर्दा सबका मान सुपुच बिन घंटन बाजा <laughs> कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने अस्मेद यज्ञ किया बड़े बड़े राजा ऋषि मुनि भी आके खाना खाए कृष्ण भी खाना खाए घंटा नहीं बजा तो जब सुपुच जो हरजन थे चमार जात के सिसे थे कबीर के शिष्य थे द्वापर युग में जब तक वो आके खाना नहीं खाए आकाश में घंटा नहीं बजा तो कहते मरदा सबका मान सुपुच बिने घंटा न नजा <laughs> तो कहते भाई वहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे कृष्ण भी आके खाना खाए लेकिन घंटा नहीं बजा जब तक सुपुच नहीं खाए क्यों वो एक सच्चा भगत था उसके अंदर सच्चा मालिक का प्रेम और प्यार था जब तक वो खाना नहीं खाया आकाश में घंटा नहीं बजा तो इसीलिए कहते हैं भाई सुमरण करो अपने आत्मा पे आप दया करो अपने आत्मा को इस दुख से छुटकारा दिलाओ और यही समय है मानव शरीर इसमें ही ये काम कर सकते हो नहीं तो आप चौरासी में जाओगे बेड़ बकरी गद्दे के शरीर में जाओगे तो क्या भजन करोगे भजन तो मानव शरीर में ही कर सकते हो ये नरनारायणी शरीर है परमात्मा ने दिया है इस दुख से छुटकारा पाने के लिए तो इसमें ही हम कर सकते हैं आगे हम नहीं कर सकते तो इसीलिए कहते हैं कि भाई कुछ सोचो और कुछ अपने आत्मा पर दया करो इस दुख से छुटकारा दिलाओ ये जन्म मरण से मुक्त हो जाए तो समय बड़ा अच्छा है वातावरण शांत है हमें इससे फायदा उठाना चाहिए हम आँख बंद करके सुमरण और ध्यान से जुड़े।